खबर हमीरपुर के मोहदास है, जहां हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि एक मानसिक विक्षिप्ति कलयुगी पुत्र ने फावड़े से अपने वृद्ध माता पिता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला बिम्बार थाना क्षेत्र के ग्राम लोधीपुर निवादा निवासी श्यामू सिंह ने देर रात अपनी माता उर्फ माया बंगालिया और पिता लल्लू सिंह की फावड़ा मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। सुबह जब वृद्ध दंपति काफ़ी समय तक नहीं जगे तो पड़ोसियों ने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर जब अंदर का नज़ारा देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते घटना स्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हत्याकांड को अंजाम देने वाला श्यामू सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अक्सर पागलों जैसी हरकतें करता रहता है और इसी के चलते लगभग 6 माह पहले उसे जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। बिम्बार पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये डबल मर्डर हुआ है, क्या मामला? देखिए, ये गांव जो है लोधीपुर है और थाना क्षेत्र बिम्बार है। इसमें श्री लल्लू सिंह और उनकी पत्नी जो है वो माया और बंगालन रहते थे और इनकी उम्र कम से क्रमशः जो है 65 वर्ष और 62 वर्ष है और इनका एक पुत्र इनके साथ रहता था, जो जिसके बारे में बताया जाता है कि मानसिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं है। उसने किसी समय रात में इनके सोते समय इनकी जो फावड़े से और अन्य लाठी डंडों से मार करके और उसमें पत्थरों का प्रयोग करके भी इनकी हत्या कर दी है। मौके पर जो है संबंधित थाने की पुलिस और क्षेत्राधिकारी और हम लोग पहुँच गए हैं। इसमें FIR कराई जा रही है, लाशों को कब्जे में लेकर के इसका पंचनामा करा के पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसमें जो हत्या अभियुक्त है उसके शीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।